बच्ची तिलक कर रही है। चावल दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो तिलक हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर इसका तिलक हो चुका है, ठीक है। कितने गहरा लिए इन्हें देखो, ये खंगर जमीन थी कहते, इससे मैंने अभी रूटी पर से जोती है, तो इसकी भान की भान इतना है इसका। ये देखो नाप पर लिखाओ कितना है, इतना भान है इसका, एक बिलान भान है इसका, एक बिलान है। दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने एक बिलान है और जाए हुए संभल के अंदर। 3 फीट का इसका रोटावेटर है जी। अच्छा, हैंडल जैसे बताया था आपको, एडजस्ट हैंडल भी है जी, और चाबी टूल भी आपको दिखा, आपने मतलब दिखाया था सुबह जब इससे सामान निकाल लेते, और आपने मट्टी चढ़ाने के लिए मंगाया है, वो यहाँ जुड़ जाता है जी, वो भी है, वो भी है। तो जैसे कि आपने भी ये जोता है खेत, सही जुत रहा है, बढ़िया जुत रहा है, खंगर था ये कतई। अच्छा। ये इसमें एक ब्रांड भान कर दिया है, एक ब्रांड भान आपके सामने दूसरी बार में। अच्छा, कितने रुपए बुकिंग कराने के लिए थे आपसे? ये मैंने 3000 रुपए में बुकिंग करवाया था। 3000 रुपए, और क्या दिया था? नंबर दिया था, आधार कार्ड दिया था। दोस्तों नमस्कार, आज मैं आया हूँ एक किसान के पास में, और इन्होंने जो पावर मीटर मंगवाया है, जो मंगवाया किसान पावर है, देख सकते हैं यहाँ पर अभी जो बॉक्स बंद है बिल्कुल, और आपके सामने ये बॉक्स जो खुलने जा रहा है इस टाइम, तो इस बॉक्स को खोलिए। और दोस्तों ये आया हुआ है, ये संभल के अंदर आया हुआ है, जो संभल जिला पड़ता है, यहाँ देख सकते हैं जो खुलना चालू हो गया बॉक्स। तो दोस्तों इनसे पूरी जानेंगे कि मतलब जो कितने रुपए का कैसे मंगवाया, और कितने रुपए जो इन्होंने बुक कर मतलब बुक कराया, कितने रुपए देकर पहले कितने रुपए दिए थे, और कितने दिन में आया था, और कैसे कैसे आया। तो दोस्तों पूरी जानकारी इनसे लेंगे और चलवा कर दिखवाएंगे कि आपको जो है ये कैसे पावर वीटर चल रहा है। और वो ये पूछेंगे कि जो है कितने एचपी का जो पावर वीटर इन्होंने मंगवाया, ठीक है। तो वीडियो पूरे बनाए ना, आपको जो है बिल्कुल किसान का रिव्यू आपके सामने दिया जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं जो खोलने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है, चार जो भी इसकी जो है ये थे ये जो है सीधे कर दिए हैं, और सब जो है खोलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो पावर हीटर इस तरह से अंदर से है, और देख सकते हैं कि हमने जो बॉक्स ये अलग कर दिया है, देख सकते हैं ये जो है इसका ढकना है, ठीक है। और देखते हैं इसके आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, जो आपके इसमें जो है 7.5 HP का पावर मीटर इन्होंने मंगवाया है बता रहे हैं, ठीक है। और कितने रुपए मंगवाया वो भी इसमें जानकारी देंगे, और मतलब कौन कौन सा कृषि यंत्र से साथ में आया है, और कितने रुपए का कैसे कैसे जो है मतलब मंगवाया है, वो पूरी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरे बने रहना। दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से इसका जो है इसकी जो पैकेजिंग है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर इसे बाहर निकालो, निकलना चालू हो गया, देख सकते हैं यहाँ पर, और देख सकते हैं यहाँ पर किसान की फैमिली यहाँ पर है सारी, ठीक है। दोस्तों देख सकते हैं कि ये लग रहा है कि मट्टी चढ़ाने वाला, जो खेत में मट्टी चढ़ाते हैं, ठीक है, वो है ये। और देखिए यहाँ पर जो है ये आ गया रोटावेटर का ब्लेड वाले वो, ठीक है। और देख सकते हैं कि पूरा सारा सामान जो जो सामान इसमें आया वो आपको दिखाते हैं इस वीडियो में, ठीक है। वीडियो में बने रहना पूरे, ठीक है। मतलब देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है ये इसका इंजन गियर बॉक्स लग रहा है, ये इंजन है इसका, ठीक है। देख सकते हैं आप, मतलब सारा जो सामान है वो खुल कर आया है यहाँ पे, जो इसे असम्बल करेंगे वो भी असम्बल करके और चला कर जब आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये जो है इसका बॉक्स है, जिसमें जो हमारे किसान भाई कुछ भी लग सकता हुआ जो है, ये आया है किसान पावर, किसान पावर एग्रो इंडस्ट्री जो है पड़ती है नदवई भरतपुर के अंदर। ये इनका मोबाइल नंबर भी है, किसान भाई अगर आप मंगाएंगे तो आप मंगा सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर जो सामान पूरा निकल गया इसके अंदर है, तो सारा सामान निकाल लेते हैं, उसके बाद में जो है वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो बॉक्स के अंदर सा जो है बाहर निकल चुका है, इसके अंदर जो भी पहिए पहिए बचे हैं वाले, देख सकते हैं कि ये इसके अंदर ये टायर है इसके, देख सकते हैं ये टायर है, और जिसके अंदर पिनों ने पड़ी हुई है इसके, देख सकते हैं ये दोस्तों ये है, ये देखिए ये है, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं इतना सारा सामान जो है इसका यहाँ पर आता, इतना आता है, देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्लेड रखा हुए हैं, और देखिए ये मिट्टी चढ़ाने रखा हुआ है, ये बॉक्स है, ये इसका इंजन है पूरा, ठीक है। ये हैंडल है, ये इसके पहिए दोनों, देखिए ये दो पहिए आते हैं। तो दोस्तों पहले जो इसका जैसे रखा है ऐसे तिलक करा लेते हैं, जो कि जो बच्ची जो स्कूल जा रही है, ठीक है, तो ऐसे तिलक करा लेते हैं इसका, बाद में जो इसे असेंबल करेंगे हम। देख सकते हैं ये है किसान पावर का 7.5 HP का पावर टिलर, देख सकते हैं पर लिखा हुआ भी है किसान पावर, और ये विदाउट सेल्फ है, रिकॉल स्टार्ट वाला है, मतलब रस्सी से स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका जो
तिलक हो गया तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर तिलक होने जा रहा है इसका पावर हीटर देख सकते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है तिलक हो रहा है इसका ठीक है और देख सकते हैं यहाँ पर ये बच्ची तिलक कर रही है दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो तिलक हो रहा है ठीक है और यहाँ पर इसका तिलक हो चुका है ठीक है और छोटी बच्ची स्कूल जा रही है इसमें जो जल्दी हमारा करवाना पड़ रहा है इसे असेंबल हम बाद में करेंगे असेंबल करा कर जो है आपको जो चला कर दिखाएंगे पूरा मतलब किस तरह से चलता है और कैसे चलता है कि ये बताते हैं कि गहराई जो लगभग 4 से 5 इंच 6 इंच तक जो गहराई लेता है तो वो भी जो आज दूध का दूध पानी होने वाला है ठीक है देख सकते हैं यहाँ पर जो जल चढ़ाया जा रहा है देख सकते हैं यहाँ पर जो तिलक हो चुका है इसका ठीक है और अब जो है आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पर जो है सारे सामान के ऊपर जो जल छिड़के जा रहा है जो ये सामान है ठीक है जो लोटे में जल था उससे जो यहाँ पर छिड़के जा रहा सारे जो भी टायर इंजन है देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो इंजन के ऊपर जो जल छिड़का जा चुका है पूरा और यहाँ पर जो है तिलक हो चुका है इसे जो अभी आपके सामने असेंबल करके और जब आपको दिखाते हैं बिल्कुल चला कर आपको दिखाते हैं आपके सामने दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका चाबी का टूल भी आता है जो भी मतलब जो भी यहाँ पर चाबी पूर्ण जो भी खींचने के लिए वो भी इसमें सारा आया हुआ है देख सकते हैं यहाँ पर ये देखिए चाबी है और ये जो है सारे नट जो बोल्ट बोलते हैं ठीक है वो भी यहाँ पर है देखिए यहाँ पर ये सारा सामान इसके अंदर आया हुआ है आप देख सकते हैं पेट्रोल डलना चालू हो गया लगभग 400-450 ml होगा पेट्रोल देख सकते हैं पेट्रोल डलना चालू हो गया हमें और कुछ पेट्रोल में जब बाद में लाकर डालेंगे ठीक है दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो हम इसमें इंजन ऑयल डाल रहे हैं इसका जो बताया गया 600-700 ml दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो इसमें इंजन ऑयल डालना चालू हो गया जो आता है 20W-40 इसमें डलेगा 650 ml-700 ml आप देख सकते हैं कुछ इस तरह डल रहा है आराम आराम से डाल रहे हैं हम देख सकते हैं दोस्तों कास्ट्रोल का है जो आता 20W-40 देख सकते हैं आपके सामने डल लिया है यहाँ पर और ये पावर टिलर दो पूरा असम्बल हो चुका है यहाँ पर देख सकते हैं टायर वायर काफ़ी तकड़े टायर में हैं अब जो है इसके इंजन में जो है ऑयल डल चुका है वो सामने 700 ml इन्होंने डाल दिया ठीक है और अब ये इसमें डलना है गेयर बॉक्स में इसमें डलता है जो आता है 80W-90 या आप जो है इसमें डलना 2 L ठीक है जो है गेयर बॉक्स इसमें आपको जो रिवर्स पीटीओ मिल जाती है जो आप वाटर पंप चला सकते हैं इससे ठीक है और पेट्रोल भी डल चुका है मैं इसे खोल देता हूँ देख सकते हैं बिल्कुल सूखा आता है यहाँ पर आपको डलेगा ठीक है यहाँ पर डालना है इंजन ऑयल देख सकते हैं गेयर बॉक्स वाला मोबिल डल रहा है इसके अंदर जो गेयर बॉक्स में डलता है वही वाला डालना है इसमें यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने डल रहा है ठीक है ये गेयर बॉक्स में डल रहा है दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो है छोटा सा जो है बगीचा है मतलब यहाँ पर कंधे वंडे पथे हुए हैं वहाँ पर ले आए हैं देख सकते हैं आपके सामने और देख सकते हैं ये रोटावेटर जो बिल्कुल असम्भल कर लिया इन्होंने ठीक है और आपको बता दें कि किसान पावर का ठीक है और इसमें जो पेट्रोल भी आपके सामने डाल दिया है और इंजन में ऑयल भी डाल दिया आपके सामने और गेयर बॉक्स भी जो गेयर बॉक्स में जो ऑयल आता वो भी डाल दिया देख सकते हैं यहाँ पर जो रोटावेटर भी इसका जो है असम्भल हुआ हुआ ठीक है और टायर जहाँ टायर है यहाँ पर टायर हटा कर और हम ये वाला रोटावेटर लगाने वाले हैं तो दोस्तों इनसे जो ये रोटावेटर लगवा लेते हैं उसके बाद में जो आपको चला कर दिखाएंगे लाइव ठीक है तो वीडियो में पूरे बने रहना देख सकते हैं कुछ आप इस तरह से ये है ये पावर हीटर आता है तो इनसे पूरी जानकारी लेंगे जो आपको इन्हें पावर हीटर कितने रुपये का पड़ा कैसे मिला ठीक है कैसे लाना पड़ा इन्हें ठीक है वो भी जानकारी लेंगे तो बुकिंग चार्ज क्या रहा क्या प्राइस रही क्या कहाँ से आपने देख कर ये खरीदा था ठीक है वो भी जानकारी लेंगे इनसे आपके सामने जो पावर चलना चालू किया है और बारह जो हाथी दिवा रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने पावर चलना चालू किया है और यह है किसान पावर का इनका पूरी जानकारी देंगे ये पावर हीटर कैसे चल रहा है ठीक है कितने रुपए का मंगवाया था कैसे मंगवाया था ठीक है आप देख सकते हैं कितना अच्छी जुटाई कर रही है दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने ठीक है अब इससे कितना सही चला पावर हीटर ये देखिए दोस्तों यहाँ पर अभी मैंने पावर हीटर चलाया था ये करवाया था इनसे और आप देखिए गहराई ये देखिए दोस्तों एक बिलान गहराई कर दी पूरी
एक बिलान गहराई। देखिए पूरा जो है दे सकते हैं आप, हमें चल रहा है यहाँ पर और इनसे जान कर लेते हैं जो है कितने रुपए का मंगवाया था, कैसे चल रहा है पावर मीटर। ठीक है दोस्तों, दे सकते हैं दोस्तों इसमें जो रोटावेटर दे रखा है वो भी चल रहा है और मट्टी प्लाव भी दे रखा है। ठीक है आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पर जो है ने चला लिया। हाँ तो अब इसकी गहराई लिया, कितने गहराई लिए इन्होंने? हाँ गहराई दिखाई इसकी। तो दोस्तों अब दिखाते हैं आपको, दिखाओ यहाँ पर कितने गहराई लिए इन्होंने। देखो ये खंगर जमीन थी कहते, इससे मैंने अभी रूटी पर जोती है। हाँ। तो इसकी भान की भान इतना है इसका, ये देखो नाप कर दिखाओ कितना है। इतना भान है इसका, एक बिलान भान है इसका, एक बिलान है दोस्तों। देख सकते हैं आपके सामने एक बिलान है और जो आए हुए संभल के अंदर। जैसे कि आपने पावर हीटर खरीदा, कहाँ देखा था आपने पावर हीटर? मैंने यूट्यूब पे देखा था पहली बार, यूट्यूब पे चलता हुआ जी। डीएस टेक्निकल किसान, डीएस टेक्निकल किसान यूट्यूब चैनल पे आपने देखा था जी। अच्छा कैसा आपको बढ़िया चलता हुआ दिखाई? हाँ, बढ़िया चलता हुआ दिखाई। जो भी सामान आपको मतलब जैसा आपने वीडियो में देखा था वही सामान आपको? हाँ, मिला फुल सामान वही मिला। जैसे कि आपने जो है ये रेड कलर का पावर हीटर मंगाया है जी, मतलब कितने फीट का रोटावेटर है? 3 फीट का इसका रोटावेटर है जी। अच्छा हैंडल है जैसे बताया था आपको, एडजस्ट हैंडल भी है जी, और चाबी टूल भी आपको दिखा आपने मतलब दिखाया था सुबह जब इससे सामान निकाल लेते, और आपने मट्टी चढ़ाने के लिए मंगाया है वो भी, वो यहाँ जुड़ जाता है जी, वो भी है वो भी है। तो जैसे कि आपने भी ये जोता है खेत, सही जुतरा बिल्कुल बढ़िया बढ़िया जुतरा, खंगर था ये कतई। अच्छा। ये इसमें एक ब्रांड भान कर दिया है, एक ब्रांड भान आपके सामने दूसरी बार में। अच्छा कितने रुपए बुकिंग कराने के लिए थे आपसे? ये मैंने 3000 रुपए में बुकिंग करवाया था। 3000 रुपए और क्या दिया था? और आधार कार्ड नंबर दिया था, आधार कार्ड दिया था जी। अच्छा और मोबाइल नंबर दिया? मोबाइल नंबर दिया था। अच्छा वो क्यों हो गया? बुकिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट पे मुरादाबाद आ गया था। मुरादाबाद आ गया, कितने दिन में आ गया? 7 दिन के अंदर अंदर आ गया। 7 दिन के अंदर अंदर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं। जो सामान आपने कहा था वही सामान आया? हाँ वही सामान आया। अच्छा जी, क्या रुपए में लिया आया? मतलब 3000 रुपए आपने बुकिंग के दे दिए और बाकी बकाया पैसा कितने रुपए दिया था आपने? ये पैसे गए थे मेरे 38000 रुपए सारे, मतलब सारे सब टोटल टोटल 3000 बुकिंग के और 35000 जब आपके ट्रांसपोर्ट आया था जब। अच्छा 3000 पहले और 35000 बाद में, 38000 का हो गया। हाँ अच्छा तो बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है जी। शुरू शुरू में नई चीज आ गई, थोड़ी बहुत तो परेशानी पड़ी है। हाँ शुरू शुरू में जैसे कि हमें देख पा रहे हैं आप। हाँ, अभी भाग रहा था ये। हाँ हाँ तो दोस्तों बता रहे हैं कि जो है शुरू में जैसे कि आप जो नया पावर वेटर लेते हैं आपसे चलाना नहीं आता, तो शुरू शुरू में आपको जो दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। ठीक है तो दोस्तों मैंने आपके सामने दिखाया यहाँ पर जो है, अपना एड्रेस बता दो, कहाँ के रहने वाले हो? मैं ग्राम कुरकावली का जिला संभल का रहने वाला हूँ। जिला संभल का जी। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ संभल के अंदर जो पावर वेटर आ चुका है, ये है कंपनी का है किसान पावर, देख सकते हैं किसान पावर एग्रो इंडस्ट्री जो आता है 7.5 HP का, देख सकते हैं यहाँ पर इनका मोबाइल नंबर दिया रखा है और स्क्रीन पर भी आपको मोबाइल नंबर दे रखा है, उस पर भी जो है आप जो कॉल करके संपर्क रखते हैं। अच्छा आपको जो पेट्रोल की खपत क्या बताई थी इसकी? जब मैंने यूट्यूब पे देखा था ये पहली बार, तो इसकी खपत 1 लीटर में मुझे 1.25 बीघे से 1.5 बीघे तक बताई गई है। 1.25 बीघे तक। हाँ अच्छा, अब मट्टी वट्टी थोड़ा चढ़ाएगा? मट्टी वट्टी सब चढ़ाएगा ये। अच्छा तो दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर, देख सकते हैं वाहन और आपको जो जैसे असम्बल करके भी आपको दिखाया था। ठीक है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है, अगर आपको खरीदना हो तो स्क्रीन पर नंबर दे रखा वो भी आप जो खरीद सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो है पहले चला का दिखा था, उसके बाद में यहाँ पर जो लड्डू चढ़ाए जा रहे हैं इस पर। ठीक है और यहाँ पर जो लड्डू बांट देते हैं ये। ठीक है और तो दोस्तों आप मंगा सकते हैं ये जो है किसान पावर का, और इसमें आपको जो 3 फीट का रोटावेटर मिलता है और जो आपको ब्लेड मिलते हैं और आपको मट्टी चढ़ाने के लिए मिलता है। अगर आपको मट्टी चढ़ाने मट्टी चढ़ा सकते हैं, अगर आपको रोटावेटर चलाना वो भी चला सकते हैं, अगर आपको कुछ अलग से और चीज लेना वो भी आपसे ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पर नंबर दे रखा है, ये जो रिकुल स्टार्ट है सेल पे स्टार्ट लड्डू भाव। तो दोस्तों हमें लड्डू मिलते हैं यहाँ पर, दे सकते हैं एक लड्डू मिला हमें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप भी मंगाना चाहते हैं पावर वेटर, तो दोस्तों आ चुका है संभल जिले के अंदर ये पावर वेटर, अगर आपको खरीदना हाँ भाई सकते हैं।